श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद संजू की हालत खराब। फैंस से लेकर कोच तक पूरा हिंदुस्तान बोला टीम इंडिया पर बोझ बन बैठे हैं संजू। जिसका डर था आखिर वही हो गया। ये सब देख संजू ने रोते रोते कर दिया बड़ा ऐलान। टीम से जाते जाते खाई ऐसी कसम जिसे सुनकर हर कोई रह गया हैरान। अंदर से पूरी तरीके से टूट गया है संजू। अब ये ही बचा है आखिरी रास्ता। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से संजू सैमसंग को यहाँ पर दोस्तों इतने मौके मिलने के बावजूद भी वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं, जिसके बाद अब संजू सैमसंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टीम इंडिया इस समय 3 मैचों की T20 सीरीज खेल चुकी है और 3 मैचों के सीरीज में पहला मुकाबला पल्ला केले में भारतीय टीम ने जीता, उसके बाद दूसरा और तीसरा मुकाबला भी टीम इंडिया जीत जाती है। लेकिन दोस्तों तीनों ही मुकाबलों में टीम इंडिया ने एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से फ्लॉप होते देखा और वो खिलाड़ी थे संजू सैमसंग। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसंग ने दोस्तों इस पूरी सीरीज में यहाँ पर दोस्तों लगभग उनको सारे पॉसिबल मौके मिले। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें संजू सैमसंग के परफॉर्मेंस की तो देखें यहाँ पर दोस्तों पहले मुकाबले में उनको मौका नहीं मिला था। ऋषभ पंत को एज अ विकेट कीपर खिलाया गया था लेकिन सेकंड मैच से उनको मौके मिलने स्टार्ट हो गए। पहले मैच में मौका नहीं मिला, सेकंड में मौका मिला और वो पहली गेंद पर ही तीक्ष्णता का शिकार बन गए। सबको लगा कि आखिर मुकाबले में वो स्कोर करेंगे और इस बार भी गौतम गंभीर ने उन्हें बैक किया और इस मुकाबले में उन्होंने दोस्तों फिर से अपना खाता तक नहीं खोला। संजू सैमसंग इस फ्लॉप पारी के बाद पूरा का पूरा टीम इंडिया एक अलग ही रोष गुस्से में नजर आ रहा है, क्योंकि संजू सैमसंग जैसे बल्लेबाज अगर स्कोर नहीं करेंगे तो निश्चित ही है कि टीम इंडिया को इसका घाटा यहां पर दोस्तों भुगतना ही पड़ेगा। अब भारतीय टीम ने दोस्तों क्लियर कर दिया है, कोच यहां पर गौतम गंभीर जो लगातार बैक कर रहे थे संजू सैमसंग को, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि अब संजू को मौके नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों संजू सैमसंग के पास कोई रास्ता नहीं बचे हैं। दरअसल दोस्तों गौतम गंभीर उन खिलाड़ियों में से हैं जो संजू सैमसंग को लगातार बैक करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि संजू जैसा टैलेंटेड खिलाड़ी का टैलेंट वेस्ट ना हो। लेकिन अब दोस्तों संजू सैमसंग के इस खराब प्रदर्शन के बाद कोच गंभीर ने भी यहाँ पर दोस्तों अपना मुंह मोड़ लिया और क्लियर कर दिया कि भाई मैं अब और मौके आपको नहीं देने वाला हूँ। अब संजू के इस खराब प्रदर्शन और राहुल द्रविड़ के और उसके साथ साथ गौतम गंभीर के मुंह मोड़ लेने के बाद ये क्लियर हो गया कि संजू का करियर खत्म हो गया है। लेकिन संजू ने जाते जाते कुछ बड़ी बात बोली है। संजू ने क्लियर किया है कि वो टीम इंडिया में वापसी करके रहेंगे। दरअसल दोस्तों आखिर मुकाबले में खराब प्रदर्शन के बाद संजू ने बोला कि अब वो एक लंबे प्रैक्टिस सेशन में जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो मैं गलतियां पिछले सालों से कर रहा हूं वो गलतियां अब मैं रिपीट नहीं करूंगा और उस वापसी के बाद मैं दिखाऊंगा कि मेरे अंदर टैलेंट है और अगर मुझे मौके मिल रहे हैं तो इसका मतलब मैं टैलेंटेड खिलाड़ी हूं। अब देखना दिलचस्प होगा यहां पर दोस्तों कि संजू सैमसंग ने जो प्रतिक्रिया ली है उससे क्या वो टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे या फिर नहीं। आप किस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।